तन के हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं। मतलब क्या सर, कोई गाड़ी जाएगा, ऐसे गाड़ी जा रहा है ना, गाड़ी जा रहा है वो तो किस रेट से जाएगा, उस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन पहले ये वाला, ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये क्वेश्चन को हम लोग दो जगह पढ़ेंगे, एक अभी पढ़ रहे हैं और एक जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लीनियर मोमेंटम पढ़ाएंगे तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे ना, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी को है ना, ये माने यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अभी जो हम लोग इक्वेशन पढ़े उसी को यूज करके सोल्व करेंगे ना। हमारे पास कितना हथियार है बाबू, हमारे पास कितना है, सर ऑन करो बाबू, ऑन करो जी। हमारे पास तीन इक्वेशन है, हमारे पास कितना इक्वेशन है, तीन इक्वेशन है ना, तीन इक्वेशन, इसको याद रखना। एक इक्वेशन क्या है, इक्वेशन नंबर, इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v बराबर u प्लस at नेक्स्ट बाबू। सेकेंड इक्वेशन मेरा क्या है, s बराबर कितना होता है सर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर है ना, यही होता है। थर्ड इक्वेशन कितना होता है बाबू, है ना, v स्क्वायर बराबर कितना, u स्क्वायर प्लस 2s है ना। इसी तीन इक्वेशन को हम लोग बाबू यूज करके क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, जहाँ यू भी क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, यू क्या होता है शुरू वाला वेलोसिटी, ए क्या होता है एक्सीलरेशन, और एस क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है। इतना सारा टर्मिनोलॉजी याद करना। अमृता ऑन करो वीडियो, भले ऐसु से ऑन करो जी, वीडियो बंद नहीं करना बाबू। रौनक बाबू ऑन कीजिए, सालनी से ऑन करो बाबू, यहाँ देखो वीडियो बंद होगा, मेरे सिस्टम पे बार बार मैसेज देते रहता बाबू। ये बाबू राम ऑन करो बाबू, ठीक है ना, स्कूल वाला ऑनलाइन नहीं है कि क्या, बुलेट हिट्स अ वॉल वेलोसिटी, अ बुलेट हिट्स अ वॉल ऑफ हैविंग अ वेलोसिटी। अच्छा ठीक है, पहले वीडियो ऑन करो, बंद करके ये कर रही है, तनु से ऑन करो, ठीक है ना, स्कूल वाला हैविंग अ वेलोसिटी होगा। अच्छा ठीक है, पहले ऑन करो, ठीक। तो हम लोग के पास बाबू कितना इक्वेशन है, तीन इक्वेशन है, v = u + at है ना, s = ut + half at² v² = u² + s। तो इसमें जितना भी टर्म है ना उसका मीनिंग आपको याद होना चाहिए ना। u मेरा शुरू वाला वेलोसिटी जिसको इनिशियल वेलोसिटी कहोगे, a मेरा एक्सीलरेशन, t मेरा टाइम, v मेरा फाइनल वेलोसिटी, और s मेरा क्या है डिस्प्लेसमेंट है, s मेरा क्या है डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो आपको क्या करा, इसी को यूज करके बाबू हमको पहले क्या करना, दिया गया क्वेश्चन से क्या करना, डाटा लिखना है ना। तो क्या करा, ए बुलेट हिट से बॉल बाबू विथ, ए बुलेट बाबू हिट से बॉल बाबू विथ वेलोसिटी, बॉल बाबू विथ वेलोसिटी ऑफ, एक बुलेट है वो जो क्या करा, दीवार को क्या करा, हिट करा, विथ वेलोसिटी ऑफ बाबू, मतलब कहने का मतलब क्या, शांति से समझना, एक दीवार है सर इस तरह से है ना, ठीक है बोला, एक दीवार है, ये क्या है बाल है, ये क्या वाल है, दीवार है ना, दीवार है ना। अब इसमें क्या चला दो, बुलेट चला दो, गोली चला दो, तो जब गोली चलाओगे बाबू तो दीवार में क्या करेगा, पेनेट्रेट करेगा, दीवार में क्या करेगा, एंट्री करेगा। अमृता बोली वीडियो ऑन करो बाबू, दीवार में क्या करेगा, पेनेट्रेट करेगा, ठीक इस तरह से, ये बुलेट हो गया बाबू है ना, ठीक बोले। तो ये दीवार को क्या करेगा, पेनेट्रेट करेगा, दीवार को क्या करेगा, पेनेट्रेट करेगा बाबू है ना, ठीक है ना। तो कह रहा बाबू जब जिस समय बाबू पेनेट्रेट कर रहा, अरे समय जैसे मान लो भोला मेरा, भोला जैसे ये बुक है तो यही आपका क्या हो गया, दीवार हो गया, यही बुक मेरा क्या हो गया, दीवार हो गया, ठीक है ना, दीवार हो गया, ये बुक मेरा क्या हो गया, दीवार हो गया। अब इधर से गोली चलाओगे तो जिस समय टकराएगा, यहाँ पे टकराएगा, तो जिस समय टकराएगा बाबू उस समय का वेलोसिटी दिया हुआ है, जिस समय दीवार से टकराएगा कितना वेलोसिटी से जा रहा है, 20 मीटर पर सेकंड से, मतलब दीवार को कितना स्ट्राइक कर रहा है, 20 मीटर पर, यहाँ पे टकराएगा कितना वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकंड से, 20 मीटर पर सेकंड से क्या करेगा, वेलोसिटी क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करेगा, संजना से ऑन करो, सुबह ऑन करो, ठीक। अब बाबू क्या करा, एंड पेनिट्रेट्स बाबू इट अप टू ए डिस्टेंस अबाउ 5 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर तक अंदर गया, अंदर कितना गया, 5 सेंटीमीटर तक गया, मतलब बाबू ये बुलेट यहाँ से पेनेट्रेट करेगा, बोला शांति सुनना, दीवार को पेनेट्रेट करेगा, ठीक सर। तो इधर वेलोसिटी जो आ रहा है बाबू मेरा, कितना वेलोसिटी से आ रहा है, एक सुंदर सा बुलेट बनाओ है ना इस तरह से, सॉरी कलर पेंसिल ज्यादा लग रहा है, ठीक यही होता है बाबू, गोल्डन हाँ 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आ रहा है, ठीक ठीक बोला। अब इस बाल में क्या करेगा, पेनेट्रेट करेगा, बाल में क्या करेगा, पेनेट्रेट होगा, तो जब पेनेट्रेट होगा बाबू तो कितना सेंटीमीटर तक जाता है बाल के अंदर है ना, इस बाल के अंदर गया भोला है ना, पेनेट्रेट करते हुए बाबू कितना सेंटीमीटर तक गया, 5 सेंटीमीटर तक गया,
पेनेट्रेट अप टू डिस्टेंस ऑफ कितना 5 सेंटीमीटर तक। शांति से समझना, जिस समय यहाँ पे बाबू कर रहा था, ये पेनेट्रेट कर रहा था, तो उस समय कितना सेंटीमीटर तक गया? 5 सेंटीमीटर तक गया, दीवाल के अंदर घुस गया कि नहीं, है ना? ठीक, तो फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द बुलेट बाबू इन द बाल, है ना? तो 5 सेंटीमीटर तक अंदर जा रहा बाबू, तो आपको क्या इसका निकालना? एक्सीलरेशन निकालना, मैंने किस बाबू, है ना, बाल के अंदर जा रहा है, तो बाल के अंदर जब जा रहा है बाबू तो क्या होगा, आपका एक्सीलरेशन कह रहा, तो डेफिनेटली वेलोसिटी घटेगा ना जी, तो वेलोसिटी घटेगा तो क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, मतलब क्या होगा, डिसेलरेशन होगा, क्या होगा, डिसेलरेशन होगा, है ना, डिसेलरेशन होगा। ठीक, तो यही आपको क्या कर रहा है, निकालने का रहा है ना। ठीक, अब शांति समझना, तो हमको दिया हुआ क्या बाबू, जिस समय टकराएगा उस समय वेलोसिटी कितना दे ले, 20 मीटर पर सेकंड। मतलब बाबू, मतलब गिवन क्या दिया हुआ है, टकराने के समय इनिशियल वेलोसिटी होगा गिवन बाबू, शुरू वाला जब टकराएगा तो उस समय का वेलोसिटी कितना लेंगे, जिस वेलोसिटी से टकराएगा, तो 15 से टकरा रहा, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, शांति से समझना, इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, है ना, 20 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी को किस से, यू से रिप्रेजेंट करोगे, तो यू की वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक, ठीक सर, है ना। अब 5 सेंटीमीटर पेनेट्रेट अप टू ए डिस्टेंस कितना, 5 सेंटीमीटर तक क्या किया, दीवाल के अंदर गया। अब 5 सेंटीमीटर के बाद क्या होगा, रुक गया होगा, गड्ढा कितना किया, 50 सेंटीमीटर किया ना जी, 5 सेंटीमीटर बाद क्या होगा, रुक गया होगा। तो जिस समय ये रुक जाएगा बाबू भोले, उस समय का फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसा कैसी बात है, क्या गप करने में लगी हो बाबू, सब्जी बेचने में लगी हुई है सर, कहां गप कर रहे हैं, किसी और का माइक ऑन है। अच्छा, ऐसा नहीं ना, वीडियो ऑन करो बाबू, बिट्टू शैतान रौनक बाबू ऑन कीजिए, सालने शैतान ऑन करो बाबू, आई माइक कौन है। ठीक, तो बाबू फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अरे बाबू 5 सेंटीमीटर तक अंदर गया, उसके बाद रुकेगा, तो रुकेगा तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी कितना सर, भी, भी की वैल्यू कितना सर, जीरो। ठीक, कितना अंदर गया सर, 5 सेंटीमीटर गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट दूरी इसमें क्या देगा, हम लोग मानेंगे डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या दिया हुआ है सर, डिस्प्लेसमेंट दिया, एस की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ, कितना दिया हुआ सर, एस बराबर डिस्प्लेसमेंट बराबर कितना दिया हुआ, वो 5 सेंटीमीटर। एस की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। तो हमेशा जब भी फिजिक्स में या केमिस्ट्री में चाहे मैथ में कुछ में सोल्व करना, तो यूनिट सेम रख के सोल्व करना, नहीं तो गलती हो जाएगा। आपका स्पीड ले रहे हो मीटर पर सेकंड में, और डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में लेगा, इसको भी मीटर करो, तो 5 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होगा, मैम कितना पढ़ाइए, है ना, 5 सेंटीमीटर 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.05 मीटर हो जाएगा। तो हमको अब क्या कहा, अब हमारे पास कौन सा हथियार यूज करेंगे, तीन वो है बाबू, तीन बंदूक है, कौन सा यूज करोगे, ये वाला बंदूक, ये वाला बंदूक, ये वाला बंदूक, है ना, तीन बंदूक है। आपको डाटा दिया हुआ है, तो आपको सोचना, हमको निकालने क्या करा, एक्सीलरेशन निकालने करा, क्या निकालने करा, एक्सीलरेशन निकालने करा, तो कौन सा बंदूक यूज करेंगे सर। अगर ये वाला देखो, पहला बाबू, पहला वाला में एक्सीलरेशन है ना बाबू, लेकिन बाबू हमको भी पता है, यू पता है, टाइम नहीं पता है। पहले वाला इक्वेशन में टाइम तो नहीं ना कहीं लिखा है, तो पहले वाला नहीं निकालेंगे सर, क्योंकि टाइम आइसोलेशन दो गो अननोन हो जाएगा ना, तो एक इक्वेशन से एक गो निकलता है, यहाँ आइसोलेशन भी पता नहीं है, टाइम भी पता नहीं, तो इसको यूज नहीं, ये वाला हथियार हम लोग यूज नहीं करेंगे। दूसरा सर, एस पता है सर, यू पता है, टाइम आइसोलेशन यू नहीं पता है, ना टाइम पता ना आइसोलेशन पता, तो ये वाला भी हथियार हमको नहीं यूज करना है ना। तो किससे अल्टीमेटली मरेगा, भी पता है सर, यू पता है सर, एस पता है, भी पता है, यू भी पता है, एस भी पता है, एगो बच गया, तो ये वाला हथियार यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे, ये वाला थर्ड नंबर हथियार, है ना, है ना। तो हम लोग लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाबू, बी नो डेट, ये सब आसान है, खाली आपको बाबू यूज करना है, कौन सा, है ना, कौन सा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, डाटा लिख लेना समझ के, और कौन सा अप्लाई करोगे, वो वाला, है ना बाबू, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो ये अप्लाई होगा, तो भी स्क्वायर बराबर कितना बाबू, यू स्क्वायर प्लस 2s, यही होगा, है ना। नेक्स्ट बाबू, भी की वैल्यू कितना रखेंगे सर, जीरो, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, तो जीरो का स्क्वायर। यू की वैल्यू कितना सर, 20 है, तो 20 हो गया, यूनिट लेके चलोगे तो लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2, ए हमको नहीं पता है, तो ए को ए लिख दो, और एस हमको दिया हुआ है मीटर में, 0.05 मीटर, है ना, मीटर हो गया। ये मेरा क्या है, ए है, तो ए हमको नहीं पता, ए हमको निकालना है, तो ए निकालेंगे, है ना। ठीक भोला, लिखेगा, लिखो, इरेज करेंगे कन्हों से, तो लिखो भोला,
जल्दी करो बाबू जल्दी करो। ये संजना नेटवर्क नहीं पकड़ रहा, बोले संजना ठीक आप बच्ची मेरी अच्छी हो। आपका बाबू सालनी नहीं पकड़ा, सालनी नेटवर्क बाबू। ये सब गांव सब आए हुए ना, आया कौन है? कितना बजे आया बिट्टू, लेट से कहा आता है जी बिट्टू? सर 6:30 वो सर 6:13 में आ गए, थोड़ा पहले बाबू। कह बजे सर छुट्टी देते हैं जी? एक एक क्वेश्चन ऐसे छूटेगा बिट्टू तो आगे जाके कमजोर हो जाएगा। फोटो भेज दिए सर, नहीं दिखता। बहुत शैतान शुभ शैतान, आपको तो अभी आके कूटेंगे बाबू। वीडियो देख देख के खाली यूट्यूब देख देख के डाटा खत्म कर देता, उसके बाद कहता फोटो भेज दे, भेज के भेज दीजिए। कैसे नहीं डाटा बचता जी, काहे खत्म कर देता है? खाली दिन भर यूट्यूब पे वीडियो देखता देखता है, खत्म करता है। जल्दी लिखो बाबू, कितना एमबी डाटा बच रहा है जी? तो बाबू कितना? 100 MB सर। यार बिल्कुल भी नेट नहीं चल रहा सर,6 MB 1 बजे खत्म हुआ, बाकी 600 यूट्यूब में खत्म किया। हिसाब किताब 750 MB हिसाब किताब लेते हैं। सेव डाटा सेव लाइफ स्लोगन। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व हम लोग अपना वीडियो ऑफ कर दें, कूटेंगे ना शैतान। आप ही तो बोले, आप ही तो बोले। अरे तो डाटा को सेव, हाँ तो सेव करने का मतलब क्या, यूट्यूब व्हाट्सएप जो फेसबुक पे वीडियो वगैरह ये सब नहीं ना देखना वो सर? जूम को छोड़ दीजिए। सेव करने का मतलब हर जगह सेव करना। हर जगह नहीं सेव करना, डिस्क्रिमिनेशन। अरे आपको कैसे बताया जाता कि क्या करो, पैसा को सेव करो? तो पैसा को नहीं खाओगे तो सेव नहीं होगा, लेकिन नहीं खाओगे तो मरिए जाओगे ना जी। अनवांटेड नहीं करना है ना, उसी तरह से अनवांटेड वीडियो वगैरह नहीं देखना है आपको, तब सेव करने का मतलब वो हुआ। इसको सोल्व करो, 0 का स्क्वायर 0 20 है, अब मीटर पर स्क्वायर आएगा तो 400 आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा, सेकेंड स्क्वायर आएगा, 2a मल्टीपल प्लस 0.5 × 2 कितना होगा 1 होगा, तो 0.1 हो जाएगा और ए हो जाएगा, और ऊपर क्या हो गया मीटर हो गया। यहाँ से बाबू पकड़ के राइट साइड लेके आओ, 0.a को इधर राइट साइड लाओ तो माइनस हो जाएगा, 0.aa 0.1 है और इसको लाइक लागो इतना हो जाए माइनस हो जाएगा। a फॉर एक्सीलरेशन है और ये कितना हो गया 400 हो गया मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक, मीटर है यहाँ स्क्वायर है तो मरेगा, a को वैल्यू यहाँ से डिवाइड करो, ए को डिवाइड करो इधर लेके जाओ 0.1 से डिवाइड करो तो ए बराबर कितना हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय कितना 0.1 हो जाएगा। यहाँ एगो मीटर, यहाँ दो गो मीटर, तो एगो मीटर मरेगा तो यूनिट क्या बचेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बचेगा। 400 बटा 0.1 कितना आएगा आंसर सर? 4000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, साइन माइनस आएगा बाबू आगे क्योंकि माइनस है तो साइन माइनस आ गया। अब यहाँ पे माइनस का सिग्निफिकेंस समझना है सर, तो बुलेट का स्पीड कितना होगा बताते हैं, माइनस का सिग्निफिकेंस समझना है आपको, लिखो जल्दी से बाबू। बुलेट का स्पीड ये तो एक्सेलरेशन होगा ना, एक्सेलरेशन है बुलेट का स्पीड बाबू, बुलेट का स्पीड वेरी कर रहा है, अंदर जाएगा तो धीरे 20 से क्या होगा घटते घटते 0 होगा, तो हर एक टाइम पे बुलेट का वेलोसिटी क्या अलग अलग रहेगा। वो दीवार के बाहर कितना होगा? दीवार के बाहर 20 है बाबू, 20 टकराने के पहले कितना है 20 है 20 है,
जिस समय टकराया उस समय तक 20 है, जैसे टकरा के अंदर घुसेगा 20 से इतना कम और रिटार्डेशन इतना ज्यादा तो रिटार्डेशन रहेगा नहीं बाबू, तब ना 5 सेंटीमीटर जाके अंदर रुक गया जी, इतना ज्यादा सर। हाँ बाबू हार्ड सरफेस होगा, जल्दी लिखो जी। ये माइनस साइन आ गया, एक्सेलरेशन माइनस आ गया, इसका मतलब क्या होता है सर? जब भी बाबू फिजिक्स में हमेशा ध्यान देना बाबू, है ना, कोई भी क्वांटिटी अगर माइनस आ जाता है तो ये वैल्यू 4000 क्या बताएगा आपको, वैल्यू बताएगा मतलब ये कितना से ये एक्सेलरेट हो रहा है 4000 से, लेकिन माइनस आ रहा है तो एक्सेलरेशन निगेटिव क्या होता है, डिसेलरेशन होता है या रिटार्डेशन होता है? मतलब बुलेट क्या हो रहा है उसका स्पीड के रिटार्डेशन मतलब क्या होता है, वेलोसिटी समय के साथ घटना। अगर किसी चीज का वेलोसिटी बढ़ रहा है तो उसको कहेंगे एक्सेलरेटेड है, अब वेलोसिटी अगर घट रहा है तो उसको क्या कहेंगे, डिसेलरेटेड कहेंगे, डिसेलरेटेड कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिसेलरेशन कहेंगे। तो ये आया भी हमारा आंसर, है ना, क्यों, क्योंकि निगेटिव आ गया, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है सर जो बुलेट है वो क्या हो रहा है, डिसेलरेट हो रहा है। क्यों सर? क्योंकि साइन क्या है, निगेटिव है, निगेटिव है ना, है ना बाबू, निगेटिव है साइन। तो माइनस साइन क्या बताएगा, डिसेलरेशन को बताएगा, है ना। नेक्स्ट बाबू, श्रुति सैताना सो गई। तो ये सब एलकेजी वाला क्वेश्चन है ना, आसान आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ तो है नहीं बाबू। ग्राफ पढ़ेंगे हम लोग, ग्राफ कैसे पढ़ाया जाए बाबू, ग्राफ को ग्राफ पे बताना पड़ेगा ना जी सर, ग्राफ पेपर खरीदना पड़ेगा, खरीद लेना भोला। क्वेश्चन अभी क्या करे, तो अभी अभी से अगला क्वेश्चन बताएंगे, कहता अभी क्या करेंगे, तो आप बोले ग्राफ पढ़ाएंगे। हाँ, तो इन दो बताने के बाद ग्राफ पढ़ाते हैं। नेक्स्ट बाबू, तो यहाँ से बाबू एक लाइन और क्या लिखना बाबू, है ना, आइसोलेशन मेरा क्या बाबू, निगेटिव है, आइसोलेशन निगेटिव आ गया ना बाबू। हाँ सर, तो मेरा क्या होगा बाबू, डिसेलरेशन होगा। ये कैसा है, रिटार्डेशन का कैसा है ना, जब क्वेश्चन में दिया तो डिसेलरेशन फाइंड करना है, तो सिंस बाबू एक्सेलरेशन इज निगेटिव, सिंस क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव है, निगेटिव मेरा आया, मतलब क्या हो रहा बाबू, बुलेट क्या हो रहा, मींस बाबू बुलेट क्या हो रहा, डिसेलरेट हो रहा, दैट इज बुलेट आपका क्या है, डिसेलरेट हो रहा, बुलेट इज डिसेलरेटिंग, है ना, क्या हो रहा है, डिसेलरेटिंग हो रहा, मतलब उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा, क्या हो रहा है, घट रहा, है ना, घट रहा, ठीक, या डिसेलरेटिंग या रिटार्डिंग भी कह सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन नंबर 29, आप लोग के पास क्वेश्चन नंबर 29 है, हम इरेज कर दिए, समझाते हैं। ए शांत भोला, समझ में आता बाबू? यस सर। अब भोली भी बैठी हुई है? यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट बाबू, कहाँ देख रही है अमृता, कहाँ में बिजी हो बाबू, कहाँ सपना देख रही हो, जिंदगी सपने में गुजर जाएगा अमृता अगर पढ़ाई नहीं करोगे बाबू। ये स्कूल वाला ऑनलाइन नहीं है, यहाँ लेफ्ट राइट देखोगे सारा हम लोग देखते रहते हैं, बैठ के आराम से दादी माँ की तरह सपना सोच रही है। आ, सपना भी बढ़िया देखे थे ना बाबू, तो ये सबका सपना क्या रहेगा आज, हाँ रेड कलर करना है, कलर हटाना है, परसों ब्लू करना है, हटाना, यही सब रहता है बढ़िया के, हाँ आईएएस ऑफिसर बनना है, ये सब बनना है, तरक्की करना, ये सब देखे, ये सब का। नेक्स्ट बाबू, कोई क्या कर रहा बाबू, साइकिलिस्ट है, ठीक है ना, कितना स्पीड से जा रहा है बाबू, 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा है, और आगे क्या आ गया, एक दीवार आ गया, है ना, तो कह रहा है बाबू वो ब्रेक लगाता है, क्या लगाता है, ब्रेक लगाती है ना, ब्रेक लगाती है, तो दीवार से 18 मीटर क्या बाबू, डेट सी डज नॉट कोलाइड विथ वॉल बाबू, अबे 18 मीटर अबे, है ना, ठीक। देखो कैसे क्वेश्चन क्या करा बाबू, क्वेश्चन क्या करा भोला, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक, देखो 13 समझो, 29 है, एक इधर दीवाल है, क्या बोला, दीवाल है, है ना, मान लो आप लोग तो साइकिल चलाते ही हो बाबू, ये आपका बाल हो गया, है ना, ठीक, दीवाल से कितना दूरी है बाबू, 18 मीटर है, यहाँ से एक साइकिलिस्ट है कि नहीं भोले,
ये आपका हो गया है ना, और यहाँ से हो गया, ये हो गया आपका साइक्लिस्ट है, यहाँ पे कोई बैठा हुआ है कि नहीं? सर पेडल नहीं है, वो सब नहीं है, वो सब बाद में बनाना। ठीक, आप कह रहा कोई साइकिल चला रहा है, चला रहा है, चला रहा है ना, गाड़ी चला रहा है, छोड़ो ना साइकिल नहीं है, गाड़ी चलाओ है ना, ऐसे गाड़ी चला रहा है, कितना स्पीड से चला रहा है बाबू? 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। ये कितना स्पीड से जा रहा है? 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, 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 जा रहा है ना। आगे नहीं देखा, मार दिया धर्म से, नहीं माथा उथा फूट गया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया है ना, नहीं देखेगा तो क्या हो गया ना। ए शिवानी शैतान वीडियो ऑन करो, ए अमृत बाबू ऑन करो, ए बिटो शैतान सर लाइट कटा हुआ है, लाइट कटा हो तो वीडियो ऑन करने में क्या जाता, हम देख लेंगे ना देखने के लिए बाबू, ठीक है ना, लाइट की जरूरत नहीं है, मोबाइल का लाइट सफिशियंट है। ठीक, नेक्स्ट बाबू, तो यहाँ से गाड़ी जा रहा है, जा रहा जा रहा जा रहा है ना, ठीक पीछे सही से आ रहा है 15 मीटर से, ठीक है ना, देखिए सामने आटे क्या दीवार है, कितना दूर में दिखाई दिया 18 मीटर पे, 18 मीटर है ना, इसको 18 मीटर दूर से देखिए बाबू कि आगे क्या है, दीवार है। ठीक, अगर नहीं देखेगी बाबू तो इसी समय हो जाएगा, हॉस्पिटलाइज हो जाओगे कि नहीं अमृता? तो देखिए इधर से आ रहे थे ना 15 से जी, अरे आगे दीवार है, अब यहाँ पे क्या किया, ब्रेक मारना शुरू किया, तो ब्रेक मारेगी है ना बाबू, क्या करेगी, ब्रेक का स्टॉप लगा, तो जैसे ब्रेक लगाया बाबू तो क्या होगा बाबू, ये है ना 18 मीटर दूरी पे क्या लगाता है, ब्रेक लगाता, जिससे बाबू क्या होगा, ये आगे जाके कोलाइड नहीं होगा, आगे जाके क्या होगा, कोलाइड नहीं होगा। तो आपको निकालने क्या करा बाबू, डिसेलरेशन निकालने का रहा, मतलब बाबू ये गाड़ी बाबू कितना कितना रफ्तार से ब्रेक साइकिल में लगाएगी बाबू, दूर साइकिल है ना, ठीक है ना, अच्छा साइकिल बाबू कितना है ना, कितना रफ्तार से ब्रेक मारोगे, कस के दम है ना, डिस्क ब्रेक वाला है ना, कि 18 मीटर दूर आपको है, आप टकराने से क्या करो, यहाँ पे मैंने बाबू क्या हुआ, कोलाइड होने से बच जाओ है ना, डिस्क ब्रेक है ना, तो ये कितना मीटर है, 18 मीटर दूर पे है ना, 18 मीटर दूर पे है ना, तो आपको क्या निकालने का है, ये साइकिल का डिसेलरेशन निकालने का है ना, किस रफ्तार से ये रिटार्ड होगा है ना, तो उसी निकालोगे जैसे पिछला क्वेश्चन है उसी तरह से निकालोगे, जैसे उसी तरह से निकालो बाबू, आपको क्या दिया हुआ है ना, यू, ये कौन सा वेलोसिटी हो जाएगा, यू वेलोसिटी, साइकिल कैसे जा रहा है, यू से, और यहाँ पे जाके क्या होना है, रुक जाना है ना, टकराने से पहले आपको क्या करना है, रुक जाना, तो रुक जाना तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी मेरा कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी जो है बाबू, इनिशियल वेलोसिटी मेरा कितना है, अमृता समझ में आता है, बोले बोले भाग गई काजी, 15 मीटर पर सेकंड, यू की वैल्यू कितना होगा, 15 मीटर पर सेकंड, ठीक, फाइनल वेलोसिटी आपको क्या होगा, रुकेगा तब ना टकराएगा, तो जब रुक जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी कितना, जीरो है ना, फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वी बराबर कितना, जीरो, डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट 18 मीटर है, एस की वैल्यू कितना है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है 18 मीटर, एकदम आसान, इस सबसे आसान कोई टॉपिक ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट एस बराबर कितना 18 मीटर है, हमको निकालने क्या करा, एक्सीलरेशन निकालने का रहा, एक्सीलरेशन हमको क्या निकालने का रहा, एक्सीलरेशन निकालने का रहा, ए की वैल्यू निकालने का रहा, तो कौन सा हथियार यूज करेंगे, सोचो हथियार यूज करो, ए अमृता बोले समझ में आता है जी, ऊपर ऊपर पार हो रहा है अमृता, समझ में आता है बाबू के ऊपर ऊपर पार हो रहा, बोले क्या बोले, कलम पकड़ के झूठ नहीं बोलना, चलो कोई दिक्कत नहीं बाबू, भावना से आदमी समझ जाता है, एक दो दिन +2 एक दो दिन पेशेंस रख के बर्दाश्त कीजिए, डेफिनेटली समझ में आएगा है ना, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। तो हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस, यही यूज करेंगे ना, हाँ सर, फाइनल वेलोसिटी कितना, जीरो, यू की वैल्यू कितना, 15, आइसोलेशन के वैल्यू कितना सर निकालना है, डिस्प्लेसमेंट कितना सर 18 मीटर, मेरा बच्चा इसको सॉल्व करके नहीं निकालेगा, जल्दी से लिखो जी, ए बिट्टू काहे बंद है बोला सर, लाइन कटा हुआ है सर, तो कैसे देखेंगे, देख लीजिए, नहीं दिखूंगा
शांतनी बाबू काहे शांत हो जी, शांतनी काहे शांत हो बाबू? यस सर। समझ में आता है बाबू? अरे सैताना, 7 बजे काहे नहीं आती बाबू? 7 बजे आज अटेंड करो बाबू, नहीं तो बहुत बेसी कमजोर हो जाएगा, अलजेब्रा का खतरनाक पोषण करवाएंगे 7 बजे। ठीक है सर, नेटवर्क नहीं बचता ना, इसीलिए डाटा नहीं बचता। आए जी, तो वाईफाई मम्मी कहाँ लली बाबू? इसको खत्म करो ना पहले। तो मम्मी वाईफाई कहाँ लली बाबू? पासवर्ड नहीं बताया आंटी बाबू? सर बताए थे लेकिन कभी कनेक्ट होता है कभी नहीं होता है। तो थोड़ा सा सट जाओ ना आंटी के पास। चलो आंटी के पास थोड़ा क्लोज चल जाओ ना, तब हम बढ़िया से सिग्नल पकड़े। देखो पीछे पीछे लगल रहता उतरा माया की, तो मजा दौड़ते रहा बाबू तुरंत दही धक्की। बिट्टू बहुत पीटेंगे शैतान, काहे शैतानी कर रहा है बाबू? बिट्टू मम्मी काहे गुस्सा कर रही जी? आज तो आते संडे को, इसको खुराक देना जरूरी हुआ। बेटो के मम्मी गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है ना, अब उसको पीटेंगे। नेक्स्ट बाबू इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे, 0 हो गया, 15 का स्क्वायर करेंगे कितना, 225। प्लस 2 × 18 × 2 कितना, 36 हो जाएगा, 36 हो गया। यूनिट बाबू लेके चल भी सकते हो, नहीं भी लेके चल सकते ना, 30A हो गया है ना। नेक्स्ट बाबू, एहसान बाबू ये मीटर है कहा बाबू दर्शन? ये यूट्यूब खोला जी, व्हाट्सएप खोला? नहीं सर। नहीं तो फिर ऐसे कैसे, ये -36A हो गया, M4 मीटर है, ये ध्यान देना, M4 मीटर है, ये एक्सीलरेशन है, ये 225 हो गया मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर। एक ही वैल्यू निकाल लो यहाँ से, 225 हो गया, और ही मीटर से वो स्क्वायर वाला कट जाएगा, तो मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। 225 / 36 कितना आ जाएगा? 6.25। निगेटिव साइन माइनस, माइनस मत छोड़ना, 25 ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो ये भी क्या है सर, डिसेलरेशन है? क्यों सर? क्योंकि बाद में जब वेलोसिटी घट रहा है, ब्रेक निकालेगा तो ब्रेक मारेगा तो वेलोसिटी घटेगा, तो डिसेलरेशन वाला केस हो गया। रो रही अमृता भोली, मत रो बाबू, 2-3 दिन कष्ट करो, हो जाएगा। सर आपके यहाँ सब आ जा रहा है? अच्छा रुको बाबू, गेट बंद करते। जल्दी लिखे बाबू, जल्दी करो, जल्दी करो। एक क्वेश्चन इसको करना बाबू, इसमें आपको क्या निकालने का रहा, इनिशियल वे फाइंड द कैलकुलेट द स्पीड रिक्वायर एंड द डिस्टेंस निकालने का रहा, ये वो हाथ पर चलाना थोड़ा, नहीं तो बाबू पीटेंगे, बता देते बहुत पीटेंगे शैतान। आवाज नहीं आ रहा सर, दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, टाइम 5 मिनट है सर, आवाज नहीं आ रहा। आ रहा है सर। हां मीर म्यूट तो नहीं बाबू, अब जा रहा है? आ रहा है सर। नहीं जा रहा अमृता, म्यूट कर ली होगी शैतान चाहे। मोबाइल का बाबू वॉल्यूम बढ़ाइए, मोबाइल वाला वॉल्यूम नहीं जा रहा। नहीं नहीं कैसे जाएगा भोले, साउंड इंक्रीज कीजिए बाबू। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है, ये गाना चल रहा है सर।
सर जब आपका आवाज ही नहीं जा रहा तो आप जो बोलेंगे उसको कैसे सुनाई देगा? आवाज चलो लिखो, लिखो 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 इसको बना के लाना। इसको क्या करना, बना के लाना सर, ये वाला बता दीजिए ना। ऐसा था ना, बहुत कूटेंगे। रिकनेक्ट हुए बाबू, अमृता बोली रिकनेक्ट हुई है, जाने लगेगा सर। साइड हो या आपके वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले, जल्दी से इसको ले करो। रिकनेक्ट हो अमृता, जाने लगे हो बाबू। सर सुनाई दे रहा होगा सर? यस सर आ रहा है। नायका नायका बच्चा के साथ वही होता बाबू। इसको बनाइएगा ठीक है ना। रेस्ट है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इनफॉर्म एक्सीलरेशन देले 0.2 मीटर, टाइम देले है। आंसर आंसर क्या आएगा? आंसर क्या है सर? वेलोसिटी 60 आ जाएगा और एस की वैल्यू निकालना फिर। वेलोसिटी 60 फाइनल। हां स्पीड 60 आएगा, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है बाबू। टाइम ले लेना, 5 मिनट है ना तो उसको सेकंड में लेना, यूनिट हमेशा सेम करना। आप लोग के पास ग्राफ पेपर होगा भोला? नहीं है सर, अभी तो खरीदना पड़ेगा। नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, टेंशन मत लो। सर ग्राफ पेपर को फेयर में चिपकानी है। हाँ फेयर में चिपका देना, सबसे बढ़िया रहेगा फर पढ़ के। सर अभी पेपर नहीं है, कल लाना। अच्छा ठीक है, अभी पढ़ाई पढ़ो। देखो बाबू थोड़ा सा ग्राफ का आइडिया बताते बाबू। ग्राफ पेपर में ग्राफ चाहिए हमको। बहुत दिन से वीडियो नहीं दिखाते सर। वीडियो नहीं है बाबू, ग्राफ पढ़ाना है ना। वीडियो तो फोटो है सर। हाँ ग्राफ पेपर का बाबू फोटो रखना पड़ेगा, यूएसबी फोटो। मैथ मैथ कहाँ है जी? मेडिसिन फोल्डर कहाँ पे? मैथ यहाँ पे। मेडिसिन दिखाया क्या? मेडिसिन फोल्डर आप ही वाला दिखाते हैं सर, मेरा क्यों सर गलत है? देखो बाबू ये मेरा ग्राफ क्या नहीं है सर, दूसरा दिखाइए। दूसरा दिखाइए सर, ये क्या ये ग्राफ पेपर आप लोग? हां नहीं है सर। क्या बोला? नहीं इसमें 10 का डिवीजन भी होता अच्छा ठीक है उतना बाबू, सब डिवीजन इसमें है लेकिन आपको बाबू दिखाई नहीं देगा ठीक है ना, दिखाई नहीं देगा। क्यों सर? बहुत छोटा छोटा बाबू आपको दिखाई नहीं देगा सब डिवीजन है ना। अच्छा सब डिवीजन अब शांति से समझना। ये सर हल्का हल्का दिख रहा लाइनिंग। हाँ हमको उतना सा मतलब नहीं, आपको हम समझा लेंगे, समझ में आ जाएगा ठीक है ना, हल्ला नहीं करना। अनुसेतन वीडियो ऑन करो। देखो आगे हम लोग क्या सीखेंगे बाबू, कांसेप्ट ऑफ ग्राफ। बहुत ज्यादा क्लियर कर रहा है बीच में। यस सर। चलो ठीक है, अभी भी कर रहे हैं। यस सर अभी कर रहे हैं। अब लाइट कहाँ कम करेंगे सेतन? 7 वाला, 7 बजे वाला बच्चा बहुत इतना आसान से पढ़ लिया, आप लोग का तो कॉमेडी शुरू रहता है। ब्लर कर रहा तो क्या करे? सही में सर, सर बहुत ज्यादा लाइट हो गया, बीच में कर रहा सर बीच में। इतना अच्छा तो बीच में बाबू, ये वाला भोला, ये वाला गायब नहीं होगा बाबू। ये वाला इसलिए गायब नहीं होगा भोला कि ये आपका प्रोजेक्टर का जो लेंस है बाबू उससे लाइट आ रहा, तो वो रिफ्लेक्शन ये वाला गायब नहीं होगा ठीक है ना, ये कभी नहीं गायब होगा। ये प्रोजेक्टर का बाबू हाँ, तो इससे मतलब नहीं है। इधर सब क्लियर दिख रहा है हमको भी, इधर क्लियर दिख रहा है, इधर से समझो। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंसेप्ट ऑफ ग्राफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कंसेप्ट ऑफ ग्राफ पढ़ेंगे, नहीं तो बिना इसी का बता देते हैं। रहो समझना अपना। देखो अरे शैतान यहाँ जो ग्लेयर कर रहा बाबू,
प्रोजेक्टर का इतना बड़ा लाइट होता है, ठीक है ना, तो आता है तो सीधे यहाँ पे जो बल्ब जल रहा है ना, तो वही आ रहा है। इसको बहुत फोर्सेस के हटाने का नहीं हटता है, ये प्रोजेक्टर वाला जो बल्ब है ना वही है, ठीक है ना। बाकी सब सही है, बाकी कोई खास ग्लेयर नहीं कर रहा, ठीक। देखो बाबू, हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ सीखेंगे, हेडिंग क्या देंगे, कंसेप्ट ऑफ ग्राफ देंगे। तो आपको बाबू इस तरह से एक ग्राफ कॉपी होगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इसमें एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, क्या करेंगे बाबू, एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, ठीक। एक क्या करना, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करना, इस तरह से क्या करेंगे, थोड़ा सा बगल में कीजिए, नीचे बगल में ही कर, हाँ ठीक है, यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। एक इधर से क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, म्यूट करो जी, किसका म्यूट है। और एक इधर से क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, ठीक। ठीक बाबू, शांति से समझो, बेसिक से समझा रहे हैं। किसका अनम्यूट है बाबू, ये सब परेशान कर, ये अमृता है, शैतान पढ़ना लिखना। नेक्स्ट बाबू, हम लोग क्या करेंगे ग्राफ में बाबू, एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से ड्रा करना, एक वर्टिकल लाइन ड्रा करना, ठीक। आपको ग्राफ कॉपी में इस तरह से बनना होगा, जहां पे कट करेगा, यहाँ पे कट कर रहा है दोनों लाइन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, जिसको इंडिकेट क्या क्या करेंगे, जीरो जीरो से, ठीक सर। ओ से भी तो करते हैं, ओ से भी करते हैं, इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट जीरो जीरो होता है, ठीक। ओरिजिन के इधर मूव करेंगे, ओरिजिन के राइट साइड मूव, ओरिजिन के अगर राइट साइड मूव करेंगे बाबू, तो इधर हम लोग प्लस वैल्यू लेंगे, इधर हम लोग कौन सा लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ओरिजिन के राइट साइड चलोगे कौन लोगे, पॉजिटिव वैल्यू लोगे, ठीक। लाइट दिख रहा है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, ओरिजिन के लेफ्ट साइड चलोगे बाबू, ओरिजिन के लेफ्ट साइड चलोगे, इधर चलोगे तो हम लोग कौन सा वैल्यू लेंगे, निगेटिव वैल्यू लेंगे। ओरिजिन के लेफ्ट साइड पॉजिटिव, नीचे निगेटिव, हाँ निगेटिव वैल्यू लेंगे। मतलब बाबू अगर 1 2 जैसे 1 2 3 4 रिप्रेजेंट करना, इधर लिखेंगे, -1 2 3 रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग इधर लिखेंगे, क्या करेंगे, इधर लिखेंगे, है ना, ठीक बोला। नेक्स्ट अनुशेतान का वीडियो बंद है, जय बिट्टू बाबू। अगर बाबू बाई एक्सिस है, हमको दो क्वांटिटी, जैसे हमको आगे क्या पढ़ना है, ग्राफ पढ़ना है, जैसे डिस्टेंस बताएं, स्पीड बताएं, है ना, तो डिस्टेंस बताएं, टाइम बताएं, तो आपको डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रा करना है, इन्फॉर्मेशन का, नॉन इन्फॉर्मेशन का, है ना। फिर आपका क्या आ जाएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम लोग क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, वो आपको फाइंड आउट करना है। फिर वेलोसिटी आएगा और टाइम आएगा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा करना है। डिस्प्लेसमेंट पढ़ाएं और टाइम पढ़ाएं, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको क्या करना है, ड्रा करना। तो ग्राफ ड्रा करने से पहले ग्राफ का बेसिक नॉलेज रहेगा तब ना, किधर हम लोग प्लस वैल्यू लेते हैं, किधर हम लोग माइनस वैल्यू लेते हैं, है ना, ये सब जानकारी रहेगा तब ना ग्राफ ड्रा करेंगे। तो वही आपको बेसिक वैल्यू बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, बताए थे तो एक बार और सुन लो। ए शांत बाबू ऑन करो जी, ठीक। तो ओरिजिन के इधर पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ओरिजिन के इधर निगेटिव वैल्यू लेंगे। ऊपर हम लोग चलेंगे तो ऊपर भी हम लोग बाय, हम लोग हमारे पास बाबू दो सिस्टम होता है, एक एक्स एक्सिस होता है, एक बाय एक्सिस होता है, दो एक्सिस होता है ना जी, हम लोग थ्री डायमेंशनल नहीं, टू डायमेंशनल, एक एक्स एक्सिस होगा, एक बाय एक्सिस होगा। तो एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल है उसको हम लोग प्लस एक्स एक्सिस मानते हैं, जो हॉरिजॉन्टल वाला उसको प्लस एक्स एक्सिस, इधर ये हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस मानेंगे। तो ओरिजिन के इधर होगा प्लस एक्स होगा, जो वर्टिकल वाला एक्सिस है उसको हम लोग बाई एक्सिस मानते हैं ना। अरे कोई भी अगर प्लेन सरफेस होता है, लेंथ ब्रेथ होता है ना, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिन के ऊपर है तो इसको प्लस बाई एक्सिस मानेंगे, ओरिजिन के नीचे को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ओरिजिन एक्सिस ये नीचे हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, माइनस बाई एक्सिस। ओरिजिन के राइट साइड प्लस एक्स एक्सिस, तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड क्या होगा, माइनस एक्स एक्सिस होगा, है ना। तो यही बताता है, माइनस यही निगेटिव वैल्यू बता रहा है, ये प्लस यही पॉजिटिव वैल्यू बता रहा है, ठीक। नेक्स्ट अब समझना, तो यहाँ पे एक्स, अब यहाँ पे समझना, ये हो गया कौन सा क्वाड्रेंट है, ये वाला चार क्वाड्रेंट में बना ना बाबू, एक क्वाड्रेंट ये हो गया। अरे मेरे शैतान, देखो ये मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये मेरा वर्टिकल एक्सिस, तो पूरा कई हिस्सा में बट गया, चार हिस्सा, चार एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, चार हिस्सा। तो ये जो पहला इधर से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, समझते चलना है। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला हिस्सा, क्वाड्रेंट मतलब चौथाई, क्वाड्रेंट का मतलब चौथाई। तो ये हो गया आपका 12 में क्वेश्चन रहते हैं ना सर, थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला हो गया सेकंड क्वाड्रेंट,
ये क्या हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, है ना, क्वाड्रेंट हो गया। ठीक, ये वाला क्या हो गया आपका, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, इधर लिख देते हैं, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। इधर क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब कहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता, तो हमेशा बाबू इसको हम लोग आगे क्लास नाइन का मैथ में कोऑर्डिनेट करके चैप्टर पढ़ना, क्या कोऑर्डिनेट करके चैप्टर पढ़ना है ना, तो हम लोग ब्रैकेट, हम कोऑर्डिनेट को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, दो गो छोट की ब्रैकेट लेंगे या यहाँ पे दो गो नंबर लिखेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे, है ना, तो कोऑर्डिनेट कोई भी दो नंबर, हाँ कोई भी दो नंबर, तो बाबू ये जो छोट की ब्रैकेट है ना, स्मॉल ब्रैकेट हम लोग दो गो नंबर, मान लो आपको x y की वैल्यू रिप्रेजेंट करना है, x और y की वैल्यू कितना होगा, तो इसमें बाबू पहला पॉजिटिव में लेंगे ना, हां बाबू। ठीक, इसमें बाबू हम लोग क्या करेंगे बाबू, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो जब भी ब्रैकेट के अंदर लिखल रहे, जैसे मान लो थ्री या चार है, मतलब ब्रैकेट के अंदर तीन चार है, तो पहला वाला वैल्यू हमेशा x को बताएगा, दूसरा वाला वैल्यू हमेशा क्या बताएगा, y को बताएगा, y को बताएगा। इसको बंद कर देते, इतना समझा ना जी। ठीक, नेक्स्ट बाबू ऐसे देखो, ठीक, ये हो गया बाबू, ये आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। अब शांत रहो, ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, अब क्वाड्रेंट को हम लोग रिप्रेजेंट, कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, दो गो ब्रैकेट लिखेंगे, और मान लो हमको तीन चार लिखना है तो इस तरह से लिखोगे, पांच चार लिखना है तो पांच चार ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट के अंदर अगर दो गो नंबर है, तो जो पहला नंबर होगा ना, जो पहला नंबर होगा ना हमेशा एक्स के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ये कसम खा के याद रखना। जो फर्स्ट नंबर होता है क्वाड्रेंट में बाबू ब्रैकेट के अंदर, ये हमेशा एक्स के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरा वाला हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, वाई के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। कहीं भी बाबू मान लो कैसे लिखल है, माइनस दस लिखल है, पांच लिखल है, मतलब यहाँ एक्स बराबर क्या है सर, माइनस टेन है, ए बाबा राम ऑन करो जी, अब वाई बराबर कितना है, पांच है, कहीं भी बाबू माइनस पांच लिखल है, फाइव लिखल है, मतलब यहाँ एक्स की वैल्यू कितना, माइनस पांच है, वाई की वैल्यू कितना, फाइव है, कहीं भी सिक्स फाइव लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, मतलब यहाँ एक माइनस फाइव और फाइव सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। बता रहे हैं पहले सीखो ना जी, ठीक है ना, कहीं छह फाइव लिखा है, मतलब हम लोग पूछेगा यहाँ एक्स की वैल्यू कौन बोला, पांच की चार, तो हमेशा पहला एक्स की वैल्यू होगा, दूसरा क्या होगा, बाई की वैल्यू होगा, है ना। जब भी ब्रैकेट के अंदर बाबू दो गो वैल्यू लिखल रहा है, कहीं भी बाबू माइनस दस और सौ लिखल रहा है ना, तो यहाँ पे तो एक पहला वैल्यू कौन होगा, एक्स होगा, दूसरा वैल्यू कौन होगा, बाई होगा, है ना, बाई होगा। ठीक है ना, ये समझना, एक्स की वैल्यू क्या होगा, माइनस हंड्रेड होगा, और वाई की वैल्यू क्या होगा, टेन होगा। ठीक, अब नेक्स्ट समझो, ये बाबू फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो कैसे बनल है, ये प्लस एक्स है, प्लस वाई है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे बना, प्लस एक्स प्लस वाई मिलकर, मतलब यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, प्लस प्लस मतलब क्या करा कि एक्स क्वाड्रेंट भी पॉजिटिव, वाई क्वाड्रेंट कैसे सर, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट किससे बनना है, ये बोला एक्स मिलके ना, और ये बोला वाई मिलके ना, ये दोनों ना, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव था, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो ब्रैकेट के अंदर कहीं प्लस प्लस लिखा मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या बाबू कर रही मिस्टी, शैतान कूट देंगे बाबू, क्या देख रही हो जी, इसको मम्मी को अभी फोन करते, शैतान पढ़ लिख नहीं रही है, फिर बाद में कहेगी ग्राफ समझ में नहीं आया। नेक्स्ट बाबू, सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे लिखेंगे, तो सेकेंड मेरा ये एक्सिस है, निगेटिव है, माइनस एक्स है, और इधर क्या प्लस वाई है, तो सेकेंड कैसे बनेगा, माइनस बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा, प्लस बनेगा, है ना, पहला एक्स क्या सर, निगेटिव है ना बाबू, निगेटिव एक्स एक्सिस है, तो माइनस हो गया, प्लस हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट ये वाला है, तो इसमें एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ एक्स भी निगेटिव होगा, और ये वाई है, ये वाई भी निगेटिव है, तो एक्स भी निगेटिव, वाई भी निगेटिव, माइनस माइनस, तो कहीं भी बाबू दोनों क्वाड्रेंट अगर माइनस रहेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा, एगो माइनस रहेगा, एगो प्लस रहेगा, तो सेकंड, दोनों प्लस रहेगा तो फर्स्ट, इसमें क्या बनेगा, तो हमेशा पहले एक्स लिखना, तो ये प्लस एक्स है, और ये क्या है, माइनस बाई है, तो प्लस माइनस होगा, है ना, प्लस माइनस होगा। ठीक, तो इतना ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट, हम लोग हेडिंग क्या देंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ, हेडिंग क्या देंगे, कॉन्सेप्ट, सही बनाना भी है सर, हाँ अभी रुको। ठीक, अब आपको कहेगा बाबू, क्वेश्चन कहेगा भोला, कौन कौन भागा जी, इसको कूटेंगे भर के, जैसे फॉर एग्जाम्पल
कहेगा लोकेट करो माइनस वन और टू को लोकेट करो ग्राफ में, है ना। ये आपको भी वहां वैल्यू नहीं दीजिए, पॉजिटिव वाई का बेसिक पढ़ा रहे बाबू, है ना। एक इसको कहेगा क्या करो, लोकेट करो। कैसे लोकेट करोगे माइनस वन टू सर, लिखकर बनाए ये माइनस वन टू को लोकेट कैसे करोगे, तो पहले क्या करना कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना और वहां पे माइनस वन जाना। एक माइनस वन क्या है, एक्स बराबर माइनस वन है, वाई बराबर क्या है टू है, है ना, है ना बाबू। तो एग्जाम्पल हम लोग आगे क्या करेंगे बाबू, लोकेट द गिवन बाबू कोऑर्डिनेट ऑन द ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, इतना समझ गया ना जी। क्वेश्चन क्या बाबू, लोकेट द इसको कॉपी में ही ना बना लेंगे सर, ग्राफ में ही ना बनाएंगे। अभी बना कॉपी पे बना, लोकेट द गिवन कोऑर्डिनेट सर, और उस ग्राफ को ग्राफ सर, को अभी जो एक्स वाई ग्राफ में बना, अभी ग्राफ में बना, लोकेट द गिवन कोऑर्डिनेट ऑन द ग्राफ बाबू। एक नंबर माइनस वन फाइव ए नंबर में, माइनस टू सिक्स, जल्दी लिखो जी। हम को ग्राफ में बनाएंगे सर, ग्राफ वाला कॉपी में मार्केट में मिलता है लाइनिंग वाला सर, तब अभी लाने हैं, अभी अभी रफ में बनाओ, अभी दिमाग मत लगाओ, अभी रफ में बनाओ सर। ये पेंसिल से बनाना है? नहीं पेन से बनाओ, पेन से बनाओ। अभी पेन से बनाओ ना जी सर, और जो ग्राफ पेन करना है उसको कैसे करेंगे उसको, तो पहले इतना इतना ड्रा करो ना, रफ कॉपी में भी ड्रा करो, दिमाग मत लगाओ, अभी रफ कॉपी में ड्रा कीजिए। ए अमृता थोड़ा थोड़ा समझ में आता है बाबू, बोलिए थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में जी? यस सर। हाँ तेज हो जाना धीरे धीरे, एकदम बेसिक से स्टार्ट करें, इससे बेसिक नहीं संभव है बाबू। एयरफोन लगा के पढ़िए अमृता, एयरफोन वगैरह तो यूज करके पढ़ो बाबू, आवाज बढ़िया से सुनाई देगा। अमन से पढ़ना शांत नहीं, एगो श्रुति नहीं आई है, जल्दी लिखे बाबू। दूगो भागा कौन, एगो बिट्टू, बिट्टू कैमरा डाउन करो, मम्मी का गुस्सा कर रही थी जी। बिट्टू ऐसे ही सर, ऐसे गुस्सा कर रही थी, गलती क्या होगा तब ना बाबू सर, मन नहीं लग रहा था मम्मी को तो इसलिए ऐसे ही बस। अच्छा अच्छी बात है, जल्दी लिखे बाबू समझाते हैं। सारा बच्चा आज मार्केट से ग्राफ कॉपी खरीद लेगा, ज्यादा नहीं देता कॉपी या ग्राफ पेज, पेज खरीद लो कोई दिक्कत नहीं, दोनों मिलता है, कॉपी खरीदो पेज खरीदो, बात वही पड़ता है। जल्दी लिखो जी सर, पतला वाला लेंगे या फिर मोटा वाला, कितना मतलब ग्राफ बनाएंगे? लो ना 25-30 पेज वाला लो ना जी सर, एक तो पूरा बंडल वाला आता है ना जिसमें से पेज, हाँ एक बंडल आता है 100 पेज का बंडल आता है, तो उसमें पेज वाइज भी मांगोगे तो दे देता है। गौरव मेरा कहाँ गया जी, गौरव यहाँ है, जल्दी लिखो बाबू सर, 31 नंबर होगा। चलो ठीक है 31। देखो बाबू इसको आपको ग्राफ पे इंडिकेट करना, देखो कैसे करेंगे, कह रहा बाबू कि माइनस वन 31 ऊपर ना लिखेंगे लोकेट के बगल बाबू, क्या करो बाबू कि लोकेट करो भोला माइनस वन फाइव है ना, ये कोऑर्डिनेट आपको दिया हो, क्या दिया कोऑर्डिनेट दिया हुआ, माइनस टू सिक्स दिया हुआ, फाइव सिक्स माइनस फाइव माइनस सिक्स दिया, जीरो टू दिया, टू जीरो दिया, एक कोऑर्डिनेट आपको दिया, इसको लोकेट करो ग्राफ पे, कहाँ लोकेट करो ग्राफ पे। तो कैसे करेंगे, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ कॉपी लाएंगे, उसमें एक्स एक्सिस बनाएंगे, बाई एक्सिस बनाएंगे इस तरह से, है ना, इस तरह से एक्स एक्सिस बाई एक्सिस बनाएंगे भोला। ठीक बाबू, ए बी सी डी करके ना, ए में पांच क्वेश्चन दे दिए सर, उसको एक ही ग्राफ में लोकेट कर देंगे ना। हाँ ये नंबर है, इसको एक ही ग्राफ में लोकेट करेंगे, बता रहे हैं सीखो ना पहले, उसके बाद है। ये आपका ग्राफ हो गया बाबू, है ना,
अब आपको क्या करना, जो डाटा दिया उस डाटा को ओपन आँख खोल के देख लेना कहाँ तक मैक्सिमम वैल्यू है। देखो x वैल्यू कहाँ तक मैक्सिमम, माइनस वन टू फाइव है ना, मैक्सिमम x का वैल्यू कहाँ तक जा रहा, पाँच तक। y की वैल्यू कहाँ जा रहा है, छः तक जा रहा। तो अब आपको अपने मन से बाबू यहाँ पे जो एक्सिस है, यहाँ पे जो एक्सिस है बाबू है ना, इक्वल लेंथ अपने मन से डिराइव करना। ये जीरो हो गया तो मान लो इतना लेंथ को क्या मान लेते हो, वन, इक्वल इक्वल लेंथ ना, दो, इक्वल लेंथ कट करना। आपको कट करने की जरूरत है नहीं, आपको कट करने की जरूरत नहीं है भोला, ठीक है ना, क्योंकि आपका जो ग्राफ है भोला उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। yes, जो ग्राफ है भोला वो ऑलरेडी दिया हुआ है। देखो कहां बाबू, बाबू कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन खोल दिया सर, कोई दूसरा ग्राफ दिखाइएगा उसमें पता नहीं चलता। यस सर, कोई अच्छा से दिखाइए। ए बाबा धाम कहां बिजी हो जी, ग्रीन वाला नहीं है सर। अभी क्या देख रहे थे, वादी बाबू फेसबुक से देख रहे थे, अभी मम्मी को फोन करते हैं। वो सब तो चलाते भी नहीं है सर। देख क्या रहे थे, व्हाट्सएप पे चैट कर रही थी? नहीं सर, व्हाट्सएप भी नहीं है मेरे टाब में। क्या कर रही थी, कैसे बताइए? होम स्क्रीन वॉलपेपर बदल रहे थे। करो यही, अभी मम्मी को कहते कि यही करते रहती है। देखो अरे ग्राफ यही बाबू आपका क्लियर है, बाकी ग्रीन वाला बाबू और ग्रीन वाला दिखाए तो सर, दिखाइए ना सर ग्रीन वाला, ग्रीन वाला दिख रहा है सर, बड़ा बस करिए इसको, अच्छे से तो दिख रहा है, उससे तो अच्छा ही दिख, क्लियर है जी? हाँ सर क्लियर है। यस सर क्लियर, ये मैक्सिमम अब नहीं होगा, ठीक है, अब इसमें हमको अलग करना पड़ेगा। अब हमको इस तरह से ग्राफ आपको दिया हुआ है ना बाबू, इस तरह से आपको ग्राफ रहता है, ब्लॉक बना हुआ रहता है ना, ग्राफ में क्या रहता है, ब्लॉक बना हुआ रहता है, ठीक है ना, चलो अच्छी बात है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, एक हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन ड्रा करो, क्या करो, एक हॉरिजेंटल लाइन, इधर मेरा ग्लेयर नहीं कर रहा, इधर मेरा काम हो जाएगा, एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करेंगे बाबू इस तरह से लाइन पे, है ना, एक इधर से वर्टिकल लाइन ड्रा करो, ये हॉरिजेंटल हो गया बाबू और ये वर्टिकल हो गया, इस तरह से वर्टिकल लाइन ड्रा कर लिया, ये ओरिजिन होगा, क्या होगा, ओरिजिन होगा, यहाँ पे ब्लॉक है तो हर एक ब्लॉक, मान लो ये पहला ब्लॉक को वन दोगे, ये दूसरा ब्लॉक टू लिखो, तीसरा ब्लॉक थ्री लिखो, चौथा ब्लॉक फोर लिखो, पांचवा ब्लॉक फाइव लिखो, छठा ब्लॉक सिक्स लिखो, सातवां ब्लॉक सेवन लिखो, इस तरह से कर लोगे, है ना बाबू, वन टू थ्री दिख रहा है आर्यन कि नहीं दिख रहा है जी? दिख रहा है सर। हाँ बाबू उसी तरह से इधर है बाबू, ये ओरिजिन है, इधर है तो लेफ्ट साइड हम लोग करेंगे, ग्राफ नहीं हम लोग पास, ग्राफ में करना, ये पॉइंट है माइनस वन, ये पॉइंट है माइनस टू, अगला पॉइंट हो जाएगा इधर हम लोग माइनस थ्री, अगला वाला पॉइंट कितना हो जाएगा माइनस फोर हो जाएगा, और अगला वाला पॉइंट क्या हो जाएगा माइनस फाइव हो जाएगा, फिर अगला वाला पॉइंट क्या हो जाएगा माइनस सिक्स हो जाएगा, अगला वाला पॉइंट क्या हो जाएगा माइनस सेवन हो जाएगा, ऊपर हम लोग चलेंगे तो पहला हो जाएगा तो वन नंबर, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये सिक्स, ये सेवन, नीचे आएंगे बाबू तो नीचे माइनस वन जाएगा, ये माइनस वन, ये माइनस टू, ये माइनस थ्री, ये माइनस फोर, ये माइनस फाइव और माइनस सिक्स, इंडिकेट कर लिया, ठीक हो। अब आपको कौन सा पॉइंट लोकेट करने का रहा, माइनस वन और फाइव, तो माइनस वन फाइव लोकेट करने का रहा बाबू, माइनस वन फाइव लोकेट करने का रहा, तो पहला हम लोग क्या देता है, माइनस वन क्या एक्स के वैल्यू को बताता है, फाइव क्या वाई के वैल्यू को, तो एक्स बराबर माइनस वन पे चलेंगे, खोजेंगे आप खोलेंगे खोजेंगे, एक्स बराबर कहाँ चलेंगे माइनस वन पे, तो माइनस वन मेरा कहाँ मिला सर, यहाँ पे है माइनस वन, यही ना बाबू एक्स बराबर, अब वाई बराबर कितना फाइव है, तो वाई बराबर फाइव क्या प्लस में है, वाई बराबर फाइव प्लस में, तो प्लस वाई ऊपर होता है, तो फाइव यहाँ चलेंगे, यहाँ पे फाइव है, ठीक, तो यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन, ये दोनों लाइन कहाँ पे मिल रहा, माइनस वन को ऊपर चलो अब पांच के इधर सीधा चलो, तो कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, तो यही आपका पॉइंट हो गया, यही आपका पॉइंट हो गया, आसान है, क्या लिखोगे इसको, माइनस वन फाइव लिखोगे, ठीक ठीक बोला, दूसरा क्या, माइनस टू सिक्स है,
तो पहला कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स बताता है, तो एक्स और माइनस टू है, तो माइनस टू कहाँ चलेंगे सर, यहाँ पे एक्स है, ये मेरा माइनस एक्स एक्सिस, इधर प्लस एक्स एक्सिस, इधर क्या होगा प्लस एक्स एक्सिस होगा, इधर माइनस एक्स एक्सिस होगा, इधर प्लस बाई एक्सिस होगा, और नीचे क्या होगा माइनस बाई एक्सिस, यही होगा ना। तो एक्स बराबर माइनस टू अस्सी एक्स है, तो एक्स बराबर माइनस टू चलो, और बाई बराबर कितना छः है, तो छः ऊपर चलेंगे, तो इस लाइन को ऊपर लेके चलो, और यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो होगा इसके इधर, ये वाला पॉइंट, ये माइनस टू हो गया, सिक्स हो गया, है ना। एक्स बराबर फाइव सिक्स का रहा, तो एक्स बराबर पाँच चलो, बाई बराबर माइनस सिक्स का रहा, तो एक्स बराबर पाँच प्लस में, तो पाँच यहाँ हम लोग चलेंगे, ठीक बाबू। अब बाई बराबर क्या माइनस सिक्स, तो माइनस नीचे चलेंगे, तो माइनस छः यहाँ, तो यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन ये वाला जो जा रहा, और पाँच से नीचे आ जाओ इस लाइन के भरोसे, यहाँ पे कट किया, तो यहीं पे जो कट किया, तो एक्स बराबर फाइव बाई बराबर माइनस सिक्स, है ना, ठीक बोला। ए ईशांत बाबू, समझ में आता है जी कि नहीं आता जी? ईशांत यस सर। आता है समझ में बाबू? यस सर। कहा दिन पापा के सामने पूछते हैं। जीरो टू एक्स बराबर क्या है, जीरो टू है, तो एक्स बराबर जीरो, अब बाई बराबर कितना है टू है ना बोला। जीरो टू कहने का मतलब क्या बाबू, जीरो टू कहने का मतलब इतना बल्ब तो जल रहा है, दो दो बल्ब तो वाई एक्सिस में हो गया ना सर। तो एक्स बराबर जीरो, तो एक्स बराबर जीरो कहाँ सर, यहाँ एक्स बराबर जीरो, यहाँ यहाँ पे जीरो, एक्स भी जीरो, बाई भी जीरो, अब बाई बराबर दो, तो दो ऊपर चलो, तो एक दो, ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा, यही जो पॉइंट होगा, जीरो होगा, टू होगा, टू जीरो कह रहा, तो एक्स बराबर दो कह रहा, तो एक्स बराबर दो, अब बाई बराबर जीरो, तो बाई बराबर जीरो यही सर, एक्स बराबर जीरो यही, और एक्स बराबर कितना टू, तो एक्स बराबर टू प्लस है, तो यहाँ ये वाला पॉइंट हो जाएगा, तो ये उनका पॉइंट हो गया टू जीरो। इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में, है ना। ये क्या है, बेसिक है, क्या है, बेसिक है। राइट डाउन करो बाबू, दोनों पॉइंट को मीट कर, हाँ दोनों पॉइंट जहाँ पे मीट, यहाँ पे जीरो जीरो है ना बाबू, जहाँ पे पॉइंट मीट करेगा उसी को हम लोग वैल्यू लिखेंगे। ये है एक, यहाँ इसका वैल्यू है, और ये जो माइनस टू सिक्स है, भोला मन से सुनता नहीं है, अब बाबा धाम को शैतान हुआ, देखो ना दो दिन के बाद कहेगी ना कि ग्राफ हमको नहीं समझ में आया, कमजोर है ना पढ़ने में, यही कहवे करेगी। बिट्टू समझा भोला? बिट्टू यस सर, ये तो बहुत बार पढ़े हैं। बहुत बार पढ़ा है सर? यस। चलो अच्छी बात है बाबू, सर आप ही तो पढ़ाए थे स्कूल में, पढ़ाए बाबू सारे जगह पढ़ाए। अमृता बोली, पहले पढ़ी थी कभी बाबू? यस सर। जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी कीजिए बाबू, तो खोई रहती हो अमृता, क्या सपना सोचते रहती है बाबू कि कैसे खाना बनाना है, हमेशा ही खोई खोई रहती हो जी। जल्दी लिखिए। बन गया सर, कॉपी में बढ़िया से नहीं बन रहा लाइन के हिसाब से। अच्छा ठीक है, अगर आप कॉपी में बनाएगा, अभी रफ में बनाइए ना फ्री हैंड से। सर बना लिए रफ में, लेकिन समझ नहीं आ रहा, कॉपी में कॉपी में समझ नहीं आ रहा, मतलब कॉपी में तो लाइन है ही नहीं, तो कैसे होगा, बढ़िया से नहीं बना। कॉपी खरीद लीजिएगा, नए पैसा था पीटी वाला, पीटी में लाइनिंग रहता है। एहसान तो नहीं, थोड़ा सा समझी भोली? हाँ सर समझ गई। हाँ तो 7 बजे अटेंड कर लीजिएगा, लग ले उसमें मैथ पढ़ा रहे हैं, एडिशन अभी आपको आता नहीं, जिसको जिसको अलजेब्रा के एडिशन में दिक्कत है बाबू, वो 7 बजे अभी तुरंत क्लास कर लेगा। इस टाइप का एडिशन जानती हो अमृता, 3x/ नहीं है जानते हो, 2y अब प्लस 2 एक कितना हो जाएगा 2y/3x, जानते हो सन का एडिशन जी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब में वेरिएबल, जानते हो अमृता कि नहीं जानते हो? बोली नहीं जानती होगी, नहीं जानती हो जी, नहीं जानती होगी सबसे तो। अरे बाबू जानती तो बोलो ना सर, जानते हैं नहीं जानते, तो नहीं जानते, शर्म की क्या बात है बाबू, हमारा बीमारी है तो हम ना बताएंगे जी, पढ़ लेना बाबू, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जिंदगी भर कैलकुलेशन करोगे यूज होगा, अलजेब्रा का एडिशन, तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे, उसमें 1-2 क्लास का बच्चा है, यही सब पढ़ेंगे, ठीक बोला सर। आप सबका क्लास छोटा कर देते हैं।
अरे नहीं देखो संकल्प किस क्लास में बाबू हद करती हो सर फाइव में गया अभी हो क्या आ रहे उधर से फाइव में चल गया हाँ फाइव में पिछले साल थे सर सिक्स में गया बंटू का कौन सा सर बताइए सेवन में उसको पहुंचा दो अभी आ रहा अभी आएगा टेंशन मत लो पूछते हैं ठीक है आप पूछ लीजिएगा आप पूछते हैं इसमें भी सर अभी आया बेचारी फोर में भी है अभी आ रहा मेरा बच्चा सब फोर फाइव को ही सब पढ़ा रहे ठीक बाबू ठीक है तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे ग्राफ को इंडिकेट करेंगे इस तरह से क्या करेंगे वो ग्राफ को इंडिकेट करेंगे कहाँ गया रिमोट जी ठीक आप कुछ कुछ क्वेश्चन देते हो उसको ग्राफ पे बना के भेजना है ना क्वेश्चन नंबर 32 लोकेट द बाबू गिवन कोऑर्डिनेट अच्छा बी ए कर देते ठीक है बी ए कर देते फिजिक्स पढ़े थे तो फिजिक्स में हमको ग्राफ पढ़ना पढ़ाना ठीक है ना डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ तो ग्राफ का पता रहेगा तब ना सर ये minus... तो पता ही था सर हाँ बना के भेजो ना कितना पता है जीरो ही दो दीजिएगा माइनस फाइव सर हो गया बस एक क्वेश्चन ज्यादा ये मत करो व्हाट्सएप खाली भाई चलाते रहते अभी मम्मी का कल फोन है ही नहीं आप फोन करके पूछ लीजिए माइनस सेवन जीरो एगो जीरो एक्स जीरो बाई जीरो जीरो थ्री सर हो गया सर ये हो गया हो गया ये एक ग्राफ पे बनाना मान लो बाबू माइनस हंड्रेड दे दे और माइनस एट्टी दे दे तो इतना बड़ा भाई तो हम लोग क्या एक दो ले गए यहाँ तो एक दो तीन यहाँ पे क्या वैल्यू है ना यहाँ पे वैल्यू अपना सेलेक्ट करना दिमाग लगाना माइनस दिमाग अगर जो 10 का भी लेंगे तब हो जाएगा हाँ तो वही कह रहे हैं ठीक है ना यू बहुत हो गया सर रहने दीजिए अरे तो ये क्वेश्चन हुआ ना जी ये एक पेज में ये दोनों एक पेज में कभी बन ही नहीं सकता है दिमाग मत लगाओ इसको अलग बना पेज में बनाओ इसको अलग पेज में बना जिसका जिसका अलजेब्रा कमजोर है बाबू कंटिन्यू रह जाएगा सर क्वांटिटी की क्वेश्चन नहीं बताएंगे इसमें बाय सर थैंक यू सर गुड नाइट नहीं इसमें बच्चा उतना नहीं सर बोले थे कि बताएंगे पेज छोड़ देना अच्छा मैथोलम बता देंगे इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन चैप्टर करके